हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वैलेंटाइंस डे के दिन किसी का कुछ सेट हुआ हो या ना हुआ हो, बट हम मार्वल फैंस के लिए पूरा साल सेट हो गया, बिकॉज मार्वल ने सुपर बोल इवेंट के अंदर अपनी मूवीज एंड सीरीज जैसे कि मून नाइट का टीवी स्पॉट और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीवी स्पॉट और ऑफिशियल ट्रेलर को लॉन्च कर दिया था, जिसने सही में हिला के रख दिया हमारा मन ही ला के रख दिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर का, और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन के इंतजार को पूरा वर्थ इट बनाऊंगा इस वीडियो के साथ। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। So, ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों के खुलने के साथ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वही सीन है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बेड से उठते हैं, बट ये वो सीन नहीं है, बिकॉज इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के चेहरे के पास एक फ्लैश सा पड़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि आगे चल के कामताज के सीन के अंदर भी हुआ था। अगले शॉट के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अपग्रेडेड क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ दिखाई देते हैं और वो किसी दूसरे यूनिवर्स के सैंक्टम सेंटोरियम के सामने खड़े हुए हैं। ये देखो साइड में स्कल पड़ा है ना, ये नताशा है। इसके बाद हमें सैंक्टम का डोर ओपन होता हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर डीमन फेसेस बने हुए थे। दरवाजे के अंदर जाने पर हमें सैंक्टम की स्टेयर्स दिखाई देती हैं, जो कि आसमान छू रही हैं। पिछले टीजर की तरह ही बट एक डिफरेंट कैमरा एंगल के साथ हमें ये स्टेयर्स का सीन देखने को मिला, जहां पर इन स्टेयर्स के साइड के अंदर पानी भरा हुआ था और ये स्टेयर्स काफी ज्यादा ऊंची जा रही थी। इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्विक शॉट आया था, जिसे मैं इस वीडियो के अंदर आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस स्टेयर्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि कामरताज पर कोई अटैक कर रहा है, जिसे सोसरर डिफेंड कर रहे हैं, और अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जमीन पर गिरे हुए और किसी को शॉकिंग वे में देखते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें स्ट्रेंज के चेहरे के ऊपर रेड फ्लैश पड़ती है और उसके बाद ही एक ब्लू फ्लैश भी दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सीन है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज फेंटेड होने के बाद उठते हैं, उनकी आईज ओपन होती हैं और उन्हें वांडा एंड शेविस बैटल करती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें रेड लाइट वांडा के मैजिक और उसे डिफेंड करती ब्लू लाइट शेविस के मैजिक को रिप्रेजेंट कर रही हो सकती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इसको देख कर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें शेविस पिछले टीजर वाली लोकेशन पर ही दिखाई देती है, जिसमें शेविस के हाथ और पैर किसी मल्टीवर्सल मॉन्स्टर ने बांधे हुए हैं और वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसी सीन में हमें डिफेंडर स्ट्रेंज शेविस के स्टार शेप पोर्टल में गिरते हुए भी दिखाई देता है, और भाई यहाँ पर मेरे से एक टिप ले लो, चाहे प्यार में गिर जाओ लेकिन मल्टीवर्सल पोर्टल के अंदर मत गिरना। प्यार में गिर के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाओगे, लेकिन मल्टीवर्सल पोर्टल के अंदर अगर गिरे तो फिर तुम यार ज़ॉम्बी भी बन सकते हो। आगे जाकर जब हमें ज़ॉम्बी स्ट्रेंज देखने को मिला था, तो उसके चेहरे के ऊपर भी सेम स्कार्स थे। और अगर स्टार शेप्ड पोर्टल्स की ही बात करें, तो इसी टीजर के अंदर एक सीन के अंदर हमें फिर से स्टार शेप्ड पोर्टल देखने को मिला था, जिसके अंदर गिरते वक्त अमेरिका शेवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज एनिमेटेड कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, और यहाँ पर इनका कन्वर्जन बिना चावल की बोरी के हुआ। तो इसी बारे में आगे बात करते हुए, अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ड्रीम से उठते हुए दिखाई देते हैं, और हमें पता चलता है कि दूसरे यूनिवर्स के रियल लाइफ इवेंट्स हमारे एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के ड्रीम्स या नाइटमेयर में उन्हें दिखाई देते हैं। और अगर आप इस बात के ऊपर गौर करें, तो ये वही सीन है जो कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में अनयूज्ड रीसेंट कॉन्सेप्ट आर्ट्स के अंदर दिखाया गया था, जिसके बारे में मैंने अपने एक शॉर्ट के अंदर भी बताया था। तो इसलिए कहता हूँ यार, मेरे चैनल के शॉर्ट से अपडेटेड रहा करो, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आर्ट्स या फिर कुछ फैन थ्योरीज में उनके अंदर शेयर कर देता हूँ। तो अभी भी अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी के शॉर्ट्स भी जाके चेकआउट कर लेना भाई इस वीडियो के बाद। लेकिन इसी सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक लैपटॉप को देख सकते हैं, जिसका यूज मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज ने सोने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी की तरह क्रिस्टीन को मेल करने के लिए किया होगा। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की वॉच दिखाई जाती है, मे बी जिसका आगे चलकर कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी दिखाया जा सकता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आगे बात करूंगा। इस सीन में हमें बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज एक डायलॉग कहते हुए सुनाई देते हैं, एवरी नाइट आई सी द सेम ड्रीम एंड देन द नाइटमेयर बिगिंस। एक प्लॉट लीक के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात अमेरिका शेविस को कहते हैं जब वो वोंग और शेविस न्यूयॉर्क में गार्गेंटोस से फाइट एंड होने के बाद एक रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा खाने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें मार्वल का डार्क थीम से मंजा हुआ अपग्रेडेड लोगो दिखाई देता है, जिसमें ध्यान से देखने पर गार्गेंटोस के टेंटिकल्स भी देख सकते हैं हम लोग। अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज के सेंटोरम के अंदर क्योज मैजिक परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, और उनके नीचे हम डार्क होल्ड को भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात को गौर करना
कि जब स्ट्रेंग केओस मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं तब उनके पीछे सैंक्टम का साइन डैमेज होता है, लेकिन जैसे ही वो मैजिक परफॉर्म कर लेते हैं वो साइन ठीक हो जाता है। हाउ? इसी सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज केओस मैजिक को अपने हाथ में लेते हैं तब साइड में हमें एक शेडो सी दिखाई देती है जो कि मे बी इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि सिनिस्टर स्ट्रेंज की हो सकती है। इसके अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि वोंग के चेहरे के ऊपर भी कुछ स्कार्स लगे हुए हैं जो कि टीजर में दिखाए जाने वाले कामरताज की बैटल के दौरान लगे थे। इसका मतलब है कि ये कामरताज पर हुई बैटल सरवाइव कर जाएंगे। और हाँ, कामरताज की बैटल फाइनल बैटल नहीं होने वाली, क्योंकि कई बार मार्वल के टीजर्स के अंदर हमें कुछ फाइनल बैटल के शॉट्स भी दिखा दिए जाते हैं। तो हाँ, एक पॉइंट पर मैं ये भी सोच रहा था कि कामरताज के अंदर होने वाली बैटल शायद से इस मूवी के अंदर लास्ट में हमें देखने को मिले, लेकिन बात कुछ और होने वाली है। इसके बाद हमें स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स में दिखाई देता है जिसमें रियलिटी डिसइंटीग्रेटेड हो रही है और वोंग सैंक्टम के अंदर दिखाई देता है और वहां पर सभी किसी को डर की नजरों से देख रहे थे जो कि प्रोबेबली स्कारलेट विच ही होगी। इसके बाद हमें क्रिस्टीन की वेडिंग का एक एक्सटेंडेड सीन देखने को मिलता है जिसमें वेडिंग के अंदर एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है और क्रिस्टीन और बाकी सभी लोग बाहर हो रहे हो हल्ले को सुनकर हमारी तरह ही बाहर आते हैं इस विचित्र मेहमान के दर्शन पाने के लिए। इसी के बाद हमें सैम रैमी के कैमरा स्टाइल के अंदर शेवेस का शादी में आए मेहमान गार्गेंटोस से बचकर भागते हुए एक चेजिंग शॉट देखने को मिलता है। इसके बाद हमें वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज हरियाली में टहलते हुए दिखाई देते हैं। आप अगर यहाँ पर गौर करें तो इस पूरे सीन के दौरान यहाँ पर पीछे जो भेड़ बकरियां देखने को मिल रही हैं वो कोई मोशन नहीं कर रही हैं। और इसके साथ ही हम अगर इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के आउटफिट्स के ऊपर गौर करें और आगे दिखने वाले एक सीन में दोनों के आउटफिट्स के ऊपर गौर करें तो सीन चेंज होने पर वांडा तो स्कारलेट विच का अवतार धारण कर लेती है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब के कपड़े वही रहते हैं। शायद से इनका धंधा नहीं चल रहा, कपड़े नहीं बदल पा रहे हैं। कपड़े छोड़ो, यहाँ पर इवन उनके हेयर स्टाइल भी वही रहती है। इसका मतलब काफी हाई चांसेस हैं कि ये दोनों सीन्स कंटिन्यूअस सीन्स होने वाले हैं। और वो हरियाली वाला पूरा सीन वांडा का ही एक इल्यूशन था डॉक्टर साहब को ट्रिक करने के लिए। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। इसके बाद हमें एक कामरताज का सीन भी दिखाया जाता है जिसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं कि कामरताज के ऊपर अंधेरे के बादल छा रहे थे और सोर्सरर्स बाहर उसको डिफेंड करने के लिए रेडी हो रहे थे। यही सीन टीवी स्पॉट में कंटिन्यू होता है जहाँ पर स्ट्रेंज ऊपर जाते हैं बैटल के लिए और नीचे सोर्सरर्स की प्रिपरेशन हो चुकी है। और ट्रेलर में वापस आने पर हमें स्ट्रेंज नीचे गिरे हुए घायल दिखाई देते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर अटैक किसने किया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो वांडा हो सकती है। तो ऐसा क्यों? तो चलिए टीजर के टाइम पर चलते हैं जहाँ कोई कामरताज पर अटैक कर रहा है, जहाँ पर रिंट्रा नाम का ये कैरेक्टर भी स्पॉट होता है और वोंग पर भी अटैक होता है जिसके हाथों को रेड केओस मैजिक से बांधकर लटका दिया जाता है। इसके साथ ही रिंट्रा के पास प्रेजेंट उसी लोकेशन पर वांडा हमें ट्रेलर के एक सीन के अंदर मैजिक मेडिटेशन भी करती हुई दिख रही है। सो यस, अटैक वांडा ही कर रही है। इसी सीन में हमें फर्स्ट टाइम रिंट्रा का एक क्लियर लुक दिखाई देता है। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, कॉमिक में एक फाइट के दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन डैमेज हो जाता है और वो उसे आर्निम द वीवर को रिपेयर करने के लिए देता है, जो कि रिपेयर करने के बाद अपने एम्प्लॉयर रिंट्रा के हाथों ही अपग्रेडेड क्लोक ऑफ लेविटेशन को डॉक्टर स्ट्रेंज को भिजवाते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी के अंदर भी होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज ट्रेलर में ही एक सीन में जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और शेवेस डिफरेंट रियलिटीज के थ्रू गिर रहे होते हैं उस समय पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का डैमेज्ड क्लोक ऑफ लेविटेशन देखने को मिला था। खैर, ये ब्रेकडाउन से रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिंट्रा के पास में हमें एक प्यारा सा राज दुल्हन सा कैरेक्टर नजर आ रहा है जो कि काफी हद तक स्टार वॉर्स के कैरेक्टर बेबी योडा जैसा नजर आ रहा है। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज, शेविज और क्रिस्टीन की एक वेरिएंट एक मल्टीवर्सल डोर के थ्रू एक प्लेस के अंदर एंटर होते हुए नजर आते हैं जिसको मे बी निक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज कहा जा सकता है। इसी सीन में अगर गौर से देखा जाए तो दिखाई देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी वॉच को इस डोर पर बांधकर की के रूप में यूज किया हुआ है। तो हाँ, इस वॉच का इम्पोर्टेंट रोल है इस मूवी के अंदर। इसके बाद आता है काफी मस्त सीन। वाह, क्या सीन है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ग्लास के केज के अंदर बंद है और उनके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए हैं। ये हैंडकफ्स कुछ स्पेशल टाइप के हैंडकफ्स हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना मैजिक यूज करने से रोकेंगे, जैसे कि लोकी सीरीज के अंदर लोकी की गर्दन के अंदर बंधा हुआ पट्टा मैजिक यूज करने से उसे रोकता था। हर कुत्ते के ऊपर लगाम लगाने के लिए पट्टा जरूरी है। लगाम तो घोड़े की होती है ना, खैर जानवरों के ऊपर नहीं जाते। मैं वेटनरी डॉक्टर नहीं बन रहा, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहा हूँ। इसके बाद हमें एक अमेजिंग सीन देखने को मिलता है इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स का, जो कि असल में एक ब्रिटिश म्यूजियम है जो कि लंदन के अंदर लोकेटेड है। कॉमिक्स के अंदर इल्यूमिनाटी आयरन मैन के द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट टीम है जिसके मेंबर्स अपनी फील्ड के सबसे एक्सपीरियंस लोग हैं। इसी सीन में हमें अल्ट्रॉन बोट्स दिखाई देते हैं
जो किसी के इन्फ्लुएंस में काम करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने ले जाकर रखते हैं। इसी सीन की एक कॉन्सेप्ट आर्ट पहले भी लीक हुई थी जिसमें यही सिनेरियो चल रहा था, तो बधाई हो हमें प्रोफेसर एक्स कंफर्म कर दिए गए इस ट्रेलर के अंदर। और ये अल्ट्रॉन बोट्स बिल्कुल इस यूनिवर्स के आयरन मैन यानी कि सुपीरियर आयरन मैन के ही इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ सब सही चल रहा है। हरियाली इतनी ज्यादा है कि बिल्डिंग्स तक चढ़ गई है और बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग्स बन गई हैं। और इसी परफेक्ट यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी खुद को सैक्रिफाइस किया हुआ है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक स्टैचू भी बना हुआ है। अब ये क्रिश मूवी तो है नहीं जो जीते जागते सुपर हीरो की मूर्ति बनाकर उसके नीचे ता थैया करते रहे। ये स्टैचू डॉक्टर स्ट्रेंज के सैक्रिफाइस के ओनर के अंदर बनाया गया है। इसके साथ ही अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि ऑफ कोर्स आयरन मैन के जिंदा रहते हुए ही हुआ होगा। और इसी परफेक्ट यूनिवर्स के अंदर आगे होने वाले कांडों पर कंट्रोल करने के लिए इल्यूमिनाटी की टीम बनाई गई होगी। ट्रेलर में आगे चलते हुए हमें इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स में कुछ स्टैचूज भी दिखाई देते हैं, जिनमें से एक स्टैचू ओडिनसन बोल्डर द ब्रेव का है, विच इज रूमर्ड टू बी प्लेड बाय ब्रूस कैंपेल। अगले सीन में हमें इल्यूमिनाटी मेंबर्स का हल्का फुल्का लुक देखने को मिलता है, जिसमें लेफ्ट कॉर्नर में एम्प्टी सीट के पास हम किसी को बैठा हुआ देख सकते हैं, और ब्राइटनेस बढ़ाने पर और जूम करने पर उनकी चेस्ट के ऊपर 4 का लोगो भी बना हुआ नजर आ रहा है। सो मे बी मिस्टर फैंटास्टिक एके रीड रिचर्ड्स हो सकते हैं। राइट मोस्ट साइड में हमें एक कैरेक्टर चलता हुआ दिखाई देता है, जिसके लंबे बाल और स्वॉर्ड की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो मोर्डो का वेरिएंट मास्टर मोर्डो हो सकता है। उनके पास स्वॉर्ड लेकर बैठा हुडेड पर्सन पूरी की पूरी डॉक्टर डूम वाली वाइब्स दे रहा है, क्योंकि उनका लुक भी हुडेड और अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड के साथ ही होता है। फिर इसके बाद हमें पैट्रिक स्टूअर्ट यानी कि प्रोफेसर एक्स की वॉइस सुनाई देती है, और उनकी एक छोटी सी ग्लिम्प्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर वो सीन इसको देखकर तो एकदम स्वाद आ गया कसम से। इसके बाद हम अमेरिका शेवेस और डॉक्टर स्ट्रेंज को सैवेज लैंड में गिरता हुआ देखते हैं, जो कि कॉमिक्स में एक ऐसी रियलिटी है जिसमें डायनासोर्स और ह्यूमंस साथ साथ रहते हैं। ये लैंड हमें सबसे पहले एक्समैन कॉमिक्स के अंदर ही दिखाई दिया था, सो दिस कुड बी फोरशैडोइंग कि हमें इस मूवी में समय समय पर म्यूटेंट्स देखने को मिल सकते हैं इसी सीक्वेंस में। और यहाँ पर जब शेवेस पोर्टल ओपन करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्का सा पंच करती है, जो कि उसकी पावर्स भी हैं, और पोर्टल ओपनिंग के दौरान वो दोनों हमें किसी एनिमेटेड वर्ल्ड में गिरते हुए नजर आते हैं, जिसमें दोनों के कपड़े एनिमेटेड हो जाते हैं और उनके पीछे हमें पूरा बैकग्राउंड एनिमेटेड फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। तो भाई हो सकता है कि हमें थिएटर के अंदर कार्टून देखने को मिल जाए इस बार। और बड़े ही गौर से देखने पर हमें व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखाई देता है, तो हाँ मे बी इसी के थ्रू व्हाट इफ यहाँ पर कनेक्ट भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस सीक्वेंस के थ्रू व्हाट इफ वाले वर्ल्ड को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ ऑन स्क्रीन दिखा दिया जाएगा? अपने ओपिनियंस मेरे साथ नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। और इसी सीक्वेंस में हमें शेवेज और स्ट्रेंज ऐसी रियलिटी में चले जाते हैं जहां पर उनकी बॉडी एग्जैक्टली हाउस ऑफ एम कॉमिक्स और इन्फिनिटी वॉर के ड्रैक्स की तरह पीसेस के अंदर टूटने लगती है। और ये चीज यहाँ पर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर रियलिटी बेंडिंग हो रही है, और उस कॉमिक के अंदर और ड्रैक्स वाले केस के अंदर दोनों जगह पर रियलिटी के अंदर ऑल्टरेशन ही इंक्लूडेड था। इसके बाद हमें इविल स्ट्रेंज का थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड वाला सीन देखने को मिलता है, जो कि टीजर के दौरान व्हाट इफ वाले सुप्रीम स्ट्रेंज की फीलिंग तो दे रहा था, बट कुछ लोग कह रहे थे कि ये इविल स्ट्रेंज है। अब अगर उस ट्रेलर के कैप्शंस ऑन करके देखें तो उसका नाम सिनिस्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता है। स्ट्रेंज। इसके बाद हमें एक ब्राइट शाइनिंग करता हुआ फिगर इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स की दीवार तोड़ता और ब्रेक थ्रू कर रही वांडा से बैटल करता हुआ नजर आता है। अब देखो इस बात के ऊपर एक काफी अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिकॉज ट्रेलर में हमें देखने पर इस फिगर की बॉडी शेप एंड ब्लैक बॉल टाइप हेड कैप्टन मार्वल की वेरियंट मोनिका रैम्बो या उसकी मदर मारिया रैम्बो जैसी फीलिंग दे रहा है, जो कि इस यूनिवर्स में कैरल की जगह खुद कैप्टन मार्वल बन चुकी हो सकती है। और सुपर बोल के टीवी स्पॉट के अंदर दिख रहे फिगर पूरी तरह टॉम क्रूज वाले सुपीरियर आयरन मैन की फीलिंग दे रहा है, बिकॉज इस फिगर में हम टोनी स्टार्क के फेस की स्पेशल बियर्ड स्टाइल देख सकते हैं। उसके साथ ही उनके फोरहेड पर कुछ चमकता हुआ भी दिखाई देता है, जो कि सुपीरियर आयरन मैन के 3 में से 1 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक लग रहा है। इसी के साथ रिसेंटली सुपीरियर आयरन मैन के कॉमिक सूट डिजाइनर टॉम टेलर ने ये बात टीज की थी कि जब टोनी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तब उसका सूट भी ऐसे रेड ऑरेंज ग्लो करता है। इसके साथ ही हम अल्ट्रॉन बोट्स वाली थ्योरी भी देख ही चुके हैं, तो हाँ अभी भी चांसेस हैं कि ये टॉम क्रूज वाला सुपीरियर आयरन मैन ही हो। तो मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट का विजेता टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन ही लग रहा है,
आई मीन इस सीन के अंदर सुपीरियर आयरन मैन होगा या फिर कैप्टन मार्वल, ये चीज मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा एक काफी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी ये भी है कि ये एक कैंग का वेरिएंट भी हो सकता है, जो कि होता है आयरन लैड, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर कैंग एक डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर आर्मर पहनकर आयरन लैड का फॉर्म भी लेता है। और वैसे भी कैंग का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फ्यूचर काफी लंबा होने वाला है, तो शायद ये आयरन लैड भी हो सकता है। फिलहाल के लिए अगर इस ट्रेलर के बारे में आगे बात करें तो इसी सीन में जब वांडा अपने क्योज मैजिक से इस फिगर पर अटैक कर रही होती है तो वांडा के पीछे पड़े स्टैचू से हमें पता चलता है कि ये इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स का ही सीन है और ये स्टैचू उन्हीं 4 स्टैचूज में से एक है। यहाँ पर मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग सी डिटेल नोटिस की थी और वो ये कि जब वो मिस्टीरियस फिगर वांडा के ऊपर अटैक करता है तब वांडा पीछे गिर रही होती है, बट वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करके खुद को स्टेबल कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें कामरताज पर अटैक होता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के बाद फर्स्ट टाइम हमें मास्टर हमीर देखने को मिलते हैं, जो कि अमेरिका शेवेस के साथ ही हैं। नेक्स्ट सीन में हमें घायल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे हमें कुछ सोर्सर्स मरे हुए और कुछ सोर्सर्स डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में स्ट्रेंज के द्वारा इन पर आती बस को बीच में से काटे जाने और गार्गेंटोस का एक लिटिल एक्सटेंडेड सीन देखने को मिलता है और गार्गेंटोस का नीचे से एक क्लियर लुक भी हमें दिखता है टीवी स्पॉट के अंदर। इसी सीन के अंदर हमें शेवेस की जैकेट पर लगा हुआ एक बैज भी दिखाई देता है, जो कि इस कैरेक्टर के LGBTQ होने की बात को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2 वांडा देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम में है और दूसरी नॉर्मल वेस्ट व्यू वाले कॉस्ट्यूम के अंदर, यानी कि घर के कपड़ों में, जैसा कि वो हमें देखने को मिली थी वांडा विजन शो के अंदर, जिसके फेस के ऊपर कुछ स्कार्स भी लगे हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये वांडा विद स्कार्स हमारे मेन MCU की ही है, जो कि अपनी पावर्स या एस्ट्रल फॉर्म का यूज करके अलग अलग यूनिवर्स के अंदर घूम रही है और इस वांडा की बॉडी पोजेस करना चाहती है और नीचे बैठी वांडा इस दूसरे यूनिवर्स की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांडा का बगीचा डेडली लैंड के अंदर बदल चुका है और वांडा कहती है, यू ब्रेक द रूल्स यू बिकम द हीरो एंड इफ आई डू इट आई बिकम द एनिमी, दैट्स नॉट फेयर। तो वांडा के ये कहने का ये पर्सपेक्टिव वेस्ट व्यू से रिलेटेड नहीं था और स्ट्रेंज भी टीजर में कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं करने आया हूँ। तो आखिर इस लेख में लेखिका कहना क्या चाहती है, मैं बताता हूँ ना। तो इस लेख के अंदर लेखिका कहना चाहती है कि हे डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ करो तो तुम हीरो, और मैं करूँ तो मैं विलन। मतलब यार, वैसे तो सही बात है कि उसने तो पीटर की आइडेंटिटी मिटाने के लिए मल्टीवर्सल केओज मचा दिया था और ये तो सिर्फ अपने बच्चों को ही तो ढूंढ रही है बेचारी। मतलब वो करे तो कुछ नहीं, ये करे तो कैरेक्टर ढीला, ये क्या बात हुई डियर। अगले सीन में शेवेस किसी को किसी कासल के अंदर पंच करते हुए दिखाई देती है। मे बी ये डार्क होल्ड का ही कोई कासल है, बिकॉज वांडा विजन सीरीज के अंदर डार्क होल्ड में बनी स्कारलेट विच के पीछे बनी स्ट्रक्चर्स यहाँ इस सीन में अमेरिका शेवेस के पीछे वॉल पर कार्व्ड साफ दिखाई दे रही हैं। और टीवी स्पॉट में हमें वांडा इसी जगह पर दिखाई भी देती है, जिसकी आंखों के नीचे का पोर्शन काफी डार्क हो चुका है बहुत ज्यादा डार्क मैजिक यूज करने के कारण। नेक्स्ट सीन इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स का ही है, क्योंकि अपर कॉर्नर में बना मॉडर्न डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है और केओस मैजिक की लालिमा से भरे ब्लास्ट के माहौल को देखते हुए और किसी फिगर के वहां से बुरी हालत से उड़ते हुए बाहर आता देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वांडा ने उसके ऊपर अटैक करने वाली फिगर की बैंड बजा दी है, बहुत ही गंदे वाली। और इसके बाद अगले सीन के अंदर वोंग एल्ड्रिच विप का यूज करते हुए गार्गेंटोस से लड़ते हुए दिखाई देता है। इसमें गार्गेंटोस का क्लोज लुक देखने पर उसके टेंटेकल्स पर जो रूइंस या डिजाइंस बने दिख रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने ट्रेलर की स्टार्टिंग में उस मल्टीवर्स मॉन्स्टर के देखे थे जिसने शेवेस को पकड़ा हुआ था। सो मे बी वांडा ही इन दोनों मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही है और शेवेस के पीछे भेज रही है ताकि वांडा उसका यूज करके मल्टीवर्स के अंदर ट्रेवल कर सके। अब इसी बात से रिलेटेड एक और काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी एम्पायर मैगजीन ने रिसेंटली एक पिक्चर रिलीज की थी जिसमें वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज और शेवेस खड़े खड़े कुछ बातें कर रहे थे, तो हाँ ये इसी टाइमलाइन का सीन है। नेक्स्ट सीन में वांडा को इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है, जिसके अंदर वांडा के फेस के ऊपर ब्लड स्प्लैशेस दिख रहे हैं और वो किसी पर अटैक कर रही है। यहाँ पर स्पेशल स्पॉइलर अलर्ट, मेरे को पता है अभी तक मैं काफी चीजें स्पॉइल कर चुका हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में इस वीडियो के अंदर, लेकिन आगे के लिए एक स्पेशल स्पॉइलर अलर्ट है। तो इस सीन में वांडा के पीछे देखने पर जो फ्लोर हमें दिखाई देता है वो वही सेम फ्लोर है जो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दिया था,
जिसके ऊपर एक कप गिरकर टूट रहा है और इसके पास में ही एक व्हीलचेयर भी दिखाई देती है। और कुछ लीक इमेजेस के हिसाब से वांडा यहाँ पर हमारे प्रोफेसर एक्स पर अटैक करेगी, जिसमें वांडा का सेम अटैकिंग स्टाइल सीन दिख रहा है और प्रोफेसर एक्स को वो यहाँ पर मार देगी और उसके फेस पर लगा ब्लड प्रोफेसर एक्स का भी हो सकता है। इसी सीन में जब सैम रैमी की डायरेक्शन की बदौलत हम वांडा की नशीली आंखों में डूब रहे होते हैं, हमें वहीं दो चैम्बर्स दिखाई देते हैं जो कि टीवी स्पॉट में क्रिस्टीन के वेरिएंट्स के पास बने हुए थे। उसमें से एक में शेविस को कैद रखा है और दूसरे में डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे, कॉज हैंडकफ्स वाले सीन में दिखे केज के बॉर्डर्स बिल्कुल सेम है। अगले सीन के अंदर हमें वोंग एक क्लिफ के ऊपर लटका हुआ दिखाई देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत सारे डार्क डीमन से घिरे हुए दिखाई देते हैं। टीवी स्पॉट के अंदर आए इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज का चेहरा देखने पर और नेक्स्ट सीन में इन डीमन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते स्ट्रेंज की आउटफिट देखने पर पता चलता है कि ये वही डिफेंडर स्ट्रेंज है जो कि हमें इस टीजर की स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिला था। वही डिफेंडर स्ट्रेंज जो पीछे ट्रेलर सीन्स और टीवी स्पॉट सीन्स के अंदर अमेरिका शेविस को उस मल्टीवर्सल मॉन्स्टर से बचाने आया था, लेकिन उसके फेस की हालत को और जिस तरह वो पोर्टल में गिर रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो ये बैटल बुरी तरह हार गया और मे बी उसकी डेथ भी हो जाएगी, या फिर अगर वो ना भी मरा तो वो एक ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाएगा। वैसे डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी जैसी ही फिगर हमें उस डार्क होल्ड कासल वाले सीन के अंदर भी दिखाई देती है और साथ ही कुछ लीक्स के अनुसार एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी में अपनी एस्ट्रल फॉर्म को डालकर उसकी बॉडी और इन डार्क डीमंस को पोजेस करेगा। इसके साथ ही जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज डीमन से घिरे दिखते हैं ऊपर बादलों के बीच एक कासल सा भी दिखाई देता है, मे बी ये वही डार्क होल्ड वाला कासल है। तो हाँ, इस चीज के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि ये सारे सीन्स एकदम कंटिन्यूस सीन्स होने वाले हैं मूवी के अंदर। इसके साथ ही हमें टीवी स्पॉट में कुछ स्पेशल सीन्स भी दिखाई देते हैं जिनमें से एक सीन में ज़ॉम्बी वांडा देखने को मिलती है। तो एक सीन में वांडा हमें उस जगह पर दिखाई देती है जहां पर हमने व्हाट इफ सीरीज में वॉचर को भी देखा था। तो भाई, इस वाली मूवी के अंदर जो केओज होने वाला है ना, वो कसम से बहुत ज्यादा भयंकर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे चलकर आप इस चैनल के ऊपर और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर ये जरूर मेंशन कर देना। और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे मेरे इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 रिचेस्ट विलन्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर, और कौन से 10 कैरेक्टर्स के कैमियोज हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।